हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे। स्टेटमेंट को पहले समझ लेते हैं। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, मतलब बिना लॉन्ग डिवीजन किए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। किया तो ये रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रखेंगे या फिर ये कैसे होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रखेंगे। तो स्टूडेंट, आपने जो थ्योरम्स की थी, थ्योरम 1.5, 1.6, 1.7 के जो रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पे यूज़ होंगे, वो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में चेक कर सकते हैं। एक बार हम थोड़ा सा उनको मेमोराइज़ कर लेते हैं कि वहाँ पे हमारे रैशनल नंबर के बारे में जो बात हो रही थी, वहाँ पे क्यू जो आपका डिनोमिनेटर था, कि रैशनल नंबर को हम पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, क्यू आपका डिनोमिनेटर होता है, क्यू किस फॉर्म में होना चाहिए था, 2 की पावर m और 5 की पावर n। और जो m और n थे ये आपके कैसे थे, कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर हो सकते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब ये हो सकता है कि आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6 इंक्लूडिंग 0, मतलब कहाँ से स्टार्ट करेंगे पावर, ये पावर m और n में से कोई भी एक 0 हो सकती है, दोनों भी 0 हो सकती है। जैसे आप ये लिखते हो 2 की पावर 0, आपका क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो स्टूडेंट ध्यान रखना है कि m और n का मतलब, यहाँ पे जो नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब है, इंटीजर्स के साथ आपको किसको इंक्लूड करना है, 0 पावर भी इंक्लूड होगी, लाइक 2 पावर 0 या फिर 5 पावर 0 भी यहाँ पे इंक्लूड हो सकती है। वो आप क्वेश्चंस में देखेंगे एक बार कि कोई भी 2 की पावर 0 × 5 की पावर 1 हो सकता है, या फिर 2 की पावर कुछ भी हो, 5 की पावर 0 भी हो सकती है, या फिर कोई पॉजिटिव नंबर होगा, नेगेटिव कोई पावर नहीं होगी। ये आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब होता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। यहाँ पे ये आपका है 13/3125। तो ये आपका कैसा नंबर है, यहाँ पे लिखोगे आप 13/ में आ जाएगा आपका। ये आप स्टूडेंट्स करके देखोगे, 5 के टेबल में आराम से हो जाएगा। 5 को 5 टाइम्स इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हो, काफ़ी इजी है, सभी ये 5 के टेबल में आने वाला है। अब स्टूडेंट आपने देखा यहाँ पे जो आपका डिनोमिनेटर है, इसमें आपका क्या आता है, 5 की पावर 5 आता है। इसके साथ हम 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 हमने क्या बोला था, m और n कैसे नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं, तो 0 भी हो सकता है, 0 के अलावा जितने भी पॉजिटिव इंटीजर से कोई भी पावर हो सकती है। तो यहाँ पे आपने देखा 5 और यहाँ पे 0, तो यहाँ पे आपने देखा 5 और 2 का पेयर इन्वॉल्व है। इसका मतलब ये आपका कैसा है, q आपका किस तरह की फॉर्म हो गई, 2 × 5 की पावर की फॉर्म्स हो गई, 2 × 5 का पेयर आ गया यहाँ पे। इसका मतलब ये नंबर आपका कैसा होगा, टर्मिनेटिंग नंबर होगा स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट पार्ट में आपका क्या आता है आंसर, टर्मिनेटिंग आता है। फिर हम सेकंड पार्ट को कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में आपका क्या है, 17/8 है। तो 8 का तो आपका काफ़ी इजी है, क्योंकि 17/ में यहाँ क्या लिखोगे आप, 2 की पावर क्या करोगे, 3, और आपका आ जाएगा 8। यहाँ पे आपकी 2 की पावर 3 है, लेकिन आप क्या कर सकते हो, 5 की पावर 0 कर सकते हो, क्योंकि 5 की पावर 0 भी आपका क्या आने वाला है, 1 ही आएगा। और ये 3 और 0 आपके किस तरह के हो जाएंगे, जो हमने बोला कि वो कंडीशन पूरी करते हैं कि m और n जो पावर्स होती हैं आपकी, जो आपके 2 और 5 के पेयर्स की जो पावर होती है, वो कैसी है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब 0 भी हो सकती है m और n में से कोई भी पावर, और पावर कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकती है। तो स्टूडेंट ये भी आपका कैसा नंबर हो जाएगा, टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा। फिर इसके बाद स्टूडेंट हम तीसरा पार्ट चेक कर लेते हैं। ये भी आपका क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। तीसरे पार्ट में आपका आता है यहाँ पे 64/4 इसका भी अगर आप करके देखते हो तो 64 एज इट इज़। और नीचे आपका क्या आता है, 13/7 और 5 जब पे करते हैं तो क्या आ जाता है आपका स्टूडेंट्स, यहाँ पे 13/7 91 को 5 से करते हैं तो 4/5 आता है। तो स्टूडेंट आपने देखा यहाँ पे आपका 5 तो है, लेकिन 2 अगर मान लो हम यहाँ पे इसमें एडजस्ट कर भी देते हैं, 2 की पावर 0 कर देते हैं, लेकिन उन दोनों के अलावा यहाँ पे 2 नंबर पहले से ही प्रेजेंट हैं। इसका मतलब 2 और 5 के पेयर के अलावा अगर कोई और नंबर आएगा तो आपको वो कैसा होगा, किस तरह का नंबर आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा। एक चीज़ स्टूडेंट यहाँ पे और आपको नोटिस करने की है, जैसे यहाँ पे आपकी पी बाई क्यू की फॉर्म थी 13/3125 था, इसमें आपका कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं है, तो आपने डायरेक्ट करके लिख दिया। इस वाले क्वेश्चन में भी आपने देखा ये ओड नंबर था, ये इवन नंबर था, आप करके भी देखते तो कोई भी इसमें आपका कोई कॉमन फैक्टर नहीं था, आपने डायरेक्ट इसको कर दिया। यहाँ पे आपने देखा 64 और 4/5 के अंदर भी कोई इस तरह का ऐसा नंबर नहीं था जो इनको कॉमन फैक्टर इन दोनों को एक साथ डिवाइड कर सके, तो हमने डायरेक्ट इन क्वेश्चन को कर लिया। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में आपके जो दोनों नंबर का कोई कॉमन फैक्टर होगा तो हम पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, उसके बाद हम जो लास्ट में आपकी पार्ट बचता है पी बाई क्यू, जो रैशनल नंबर फिर बचता है, उसके अंदर हम क्यू को चेक करके देखेंगे। तो इन तीनों पार्ट्स में तो ऐसा हुआ नहीं, लेकिन अगर आगे क्वेश्चन में होगा तो हमें करना पड़ेगा। तो ये वाला कैसा हो जाएगा आपका, नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। और किस तरह का नंबर आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर आएगा, रिपीटिंग डेसिमल आएगा। तो ये आपका हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसके बाद स्टूडेंट हम करके देखते हैं
फोर्थ पार्ट को चेक, तो फर्स्ट आपका आता है टर्मिनेटिंग, सेकंड भी आपका टर्मिनेटिंग, और थर्ड कैसा आता है नॉन टर्मिनेटिंग आता है। तो स्टूडेंट इसको थोड़ा सा हम यहाँ से रब कर लेते हैं। अब आपको चेक करना आ गया है, अब हम फोर्थ पार्ट को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड आपके टर्मिनेटिंग थे और थर्ड था आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल था। तो फोर्थ पार्ट के अंदर आपका क्या है यहाँ पे 15 अपॉन में, इसको आप हल्का सा यहाँ डाल सकते हैं टर्मिनेटिंग T4, यहाँ से भी टर्मिनेटिंग, और इसको आप डाल देंगे यहाँ पे थोड़ा सा स्मॉल करके नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो ये आपने इसको डिनोट कर दिया है, तो ये 15 अपॉन में कितना आ जाता है 1600। आप जानते हो कि इनका कॉमन फैक्टर है जो आप क्या लेके चलते हैं, 5 से डिवाइड हो जाएंगे। वैसे ये हाँ 5 से डिवाइड हो जाएंगे, 3 से नीचे वाला नहीं हो पाएगा, तो 5 से हो जाएगा क्योंकि इसमें 3 का जो आपका है, हाँ 3 से नहीं हो पाएगा स्टूडेंट्स ये, क्योंकि 3 का डिवीजन का जो क्राइटेरिया वो कंप्लीट नहीं होता है यहाँ पे। तो 5 से करेंगे तो 5 3 जा पे जाएगा और ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका यहाँ से 320 आएगा, कैंसिल हो गए 3 के टेबल में इस तरह से। फिर आपने लिखा 3 अपॉन में 320। अब 320 की आपको प्राइम फैक्टराइजेशन लिखनी है जो कि आपके कितनी होती है 2 की पावर 6, क्योंकि 2 की पावर 6 करते हैं तो आता है आपका 64, और 64 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका क्या आ जाता है 320। तो स्टूडेंट ये वाला आपका जो पार्ट है इसके अंदर आपका, आपको पहले क्यों डिवाइड करना पड़ा, क्योंकि आपको पता है इनका कोई ना कोई कॉमन फैक्टर भी एग्जिस्ट करता है जो 15 को और 1600 को एक साथ डिवाइड कर सकता है। तो आपने पहले इसको क्या किया, प्रॉपर रैशनल की फॉर्म में लिया है ताकि इनका अब कोई कॉमन फैक्टर इसके 5 के अलावा कोई और बचा नहीं है, मतलब 1 ही इनका कॉमन फैक्टर यहाँ पे 5 था। तो अब स्टूडेंट आपने देखा इसका डिनोमिनेटर चेक किया, सेकंड स्टेप जो आता है, अब यहाँ पे आपने क्या लिख लिया 5 की पावर 1 लिख लिया और 2 की पावर 6 है ही आपके पास, इसका मतलब पेयर में सिर्फ कौन है 2 × 5 की फॉर्म है। इसका मतलब ये आपका कैसा नंबर आएगा टर्मिनेटिंग, ये किस तरह का नंबर हो जाएगा स्टूडेंट आपका टर्मिनेटिंग नंबर आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। तो स्टूडेंट चार पार्ट आप चेक करके देख चुके हैं, अब हम इसके बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे। अब आपका फिफ्थ पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से, तो फिफ्थ पार्ट में स्टूडेंट आपका कितना आता है 29 अपॉन में 343। तो आपको पता है ये जो नीचे वाला जो आपका डिनोमिनेटर है किसका है, 7 का क्यूब है, तो 7 की जो क्यूब है इसका मतलब यहाँ पे 2 और 5 दोनों ही नहीं है। इसका मतलब ये आपका कैसा नंबर प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स आपका नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, ये आपका कैसा आएगा बार बार लिखने के, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और कैसा होगा स्टूडेंट्स आपका ये रिपीटिंग डेसिमल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा और कैसा होगा आपका रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ये एन से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा स्टूडेंट आपका। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। देखो सिक्स्थ पार्ट में काफ़ी आसान है, सिक्स्थ पार्ट में क्यों आसान है, आपको नीचे वाला काम करना नहीं पड़ेगा, नीचे वाला जो आपका डिनोमिनेटर है ये आपको पहले से ही दिया हुआ है कि 2 × 5 की पावर्स में ही, पेयर्स की पावर में ही दिया हुआ है। 2 और 5 की है, पावर कुछ भी हो सकती है, एम और एन जो आपकी पावर्स थे ये कोई भी नंबर हो सकते हैं। इसका मतलब डायरेक्ट स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा आपका, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, इसमें आपको करके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये आपका क्या हो गया टर्मिनेटिंग हो गया। अब स्टूडेंट हम कौन सा करेंगे इसका थर्ड पार्ट, सेवन्थ पार्ट देखते हैं। स्टूडेंट सेवन्थ पार्ट में भी आप डायरेक्ट यहाँ से चेक कर सकते हैं, देखिए 2 है और 5 है बट यहाँ पे 7 इन्वॉल्व हो गया। आपने अभी सीखा कि 2 और 5 के पेयर के अलावा कोई और नंबर नहीं होना चाहिए, तो ये आपका कैसा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये आपका किस तरह का होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा स्टूडेंट। तो इसको भी हमने इस तरह से लिख लिया, नॉन टर्मिनेटिंग है आपका और कैसा है रिपीटिंग डेसिमल है। तो स्टूडेंट ये भी आपका हो चुका है यहाँ पे। अब हम देखते हैं इसको, आपने डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट था आपका, इसमें आपको साफ दिख रहा है नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग डेसिमल है। इसके बाद आप एट्थ को चेक करके देखते हैं। एट्थ को करने के लिए इसको थोड़ा सा यहाँ से आप रब कर लीजिए, अब आपको समझ में आ गया है, ज़्यादा बड़े भी नहीं है इसकी जो डिनोमिनेटर है, ज़्यादा बड़ी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, ये आप आराम से बहुत आराम से कर सकते हैं क्योंकि इसमें इन क्वेश्चन में इतना ज़्यादा है नहीं। अब आप एट्थ देखते हो, एट्थ भी आपका बहुत स्मॉलर सा नंबर दिया हुआ है इन्होंने, ये क्या दे रखा है आपको 6/15 दिया हुआ है। तो 6 और 15 आप देख सकते हो यहाँ से 3 के टेबल में 3 × 2 = 6 और 3 × 5 = 15, तो ये कितना बचता है आपका 2/5 बचता है। अब स्टूडेंट आप क्या कर सकते हो, नीचे 5 × में क्या लिखोगे 2 की पावर 0 में इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि 2 और 5 की पावर्स में, यहाँ 5 की पावर 1 है 2 की पावर 0 है। जैसे कि हमने बोला था शुरू में कि m और n आपके नॉन नेगेटिव इंटीजर हो सकते हैं, पावर्स कोई भी हो सकती हैं, 0 इंक्लूड था उनमें, 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि पॉजिटिव के साथ आपके 0 भी इंक्लूड था। तो ये स्टूडेंट आपका किस तरह का होगा टर्मिनेटिंग होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो आपका 8 पार्ट हो गया, अब हम क्या करते हैं 9th पार्ट भी कर लेते हैं। 9th की स्टेटमेंट है 35/50, ये क्या आपका 35/50, इसको हमने लिख लिया है स्टूडेंट। अब आप ये भी देख रहे हो, आप ये भी जो आपका है ये 5 के टेबल में आता है, तो इसको आप कैसे करोगे, वही 5 7 जा पे गया और ये कितना है आपका 10 आया, तो इसको आपने लिखा 7/10,
तो नीचे वाले को फिर से आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 5, आपने देखा 2 की पावर 1, 5 की पावर 1। ऐसा हमने क्यों किया यहाँ पे स्टूडेंट, इसको डिवाइड क्यों किया, क्योंकि अभी ये पूरा प्रॉपर जो आपका उसमें प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है। प्रॉपर फ्रैक्शन जब होता है जब आपका कोई भी कॉमन फैक्टर ना बचे 1 के अलावा, 7 और 10 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये आपका स्टूडेंट कैसा होता है, टर्मिनेटिंग आएगा, क्योंकि इसमें क्या है सिर्फ, इसमें क्या है स्टूडेंट आपका सिर्फ एक 2 और 5 का ही पेयर है, उसके अलावा और कोई नंबर नहीं है, तो इसको आप क्या लिख लेते हैं, टर्मिनेटिंग। पूरा लिखें चाहे आप ऐसे भी लिख के छोड़ सकते हैं, टर्मिनेटिंग होगा स्टूडेंट। अब आपका है 10th पार्ट, 10th पार्ट में आपका क्या है 77/210। अब आप ये देखें इनका फिर से कोई कॉमन फैक्टर जो क्या है 7, तो ये कितना आ जाता है आपका 30, 11/30 बचता है आपका स्टूडेंट। इसको भी आप नीचे वाले को अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखते हो, इसके प्राइम फैक्टर लिखते हो, तो कितना आता है 5 3 पे गया और फिर आपका आया 2, लेकिन यहाँ पे 2 और 5 के अलावा 3 आता है, यानी कि 2 और 5 के जो पेयर है उनके अलावा अगर कोई और नंबर आता है तो आप कैसा लिखते हो उसे, नॉन टर्मिनेटिंग देते हो, और कैसा डेसिमल आता है वो आपका रिपीटिंग होता है स्टूडेंट, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है। तो स्टूडेंट आपने यहाँ पे अपने चारों के कितने 10 पार्ट्स थे शायद इस क्वेश्चन में, 10 पार्ट्स आपने कंप्लीट किए, तो स्टूडेंट मुझे लगता है आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको थ्योरम की जो डिस्कशन, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डिनोमिनेटर की वजह से ही हम सब ये डिसाइड करते हैं कि आपकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट करेगी या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग होगी या रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगी, तो स्टूडेंट अगर आपने थ्योरम अच्छे से समझ ली होंगी तो मुझे लगता है आपको क्वेश्चन बहुत जल्दी से हो जाएंगे, क्योंकि इसमें आपको डिवाइड भी नहीं करना है, लॉन्ग डिवीजन में आपको काफ़ी टाइम लग सकता था। इसमें क्या आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो कि कोई टर्मिनेटिंग होगी डेसिमल या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी। तो स्टूडेंट यहाँ ही आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 ओवर होता है, आने वाली वीडियो में 1.4 के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स।